Student, today we see the topic that is electromagnetic spectrum and types of signal in analog communication. Okay, in this we see the detailed description of electromagnetic spectrum and types of analog communication. Okay, see, first this is the diagram for complete electromagnetic spectrum, that is EM spectrum. Okay, in this we see the different types of spectrum, that is visible light, infrared light, and this is the middle electromagnetic spectrum, that is low frequency, medium frequency and high frequency. This is the visible light and infrared light. It is the upper side of EM spectrum. In upper side, there is the X-rays, gamma rays, cosmic rays, etc. Okay. In the middle range, there is a two-way communication, that is, example is radio or TV broadcasting. Okay, these are the ranges, wavelength range. Okay, these are the different wavelength range which is used as a high frequency or medium frequency and low frequency. Okay, this diagram we have to learn and then see the detailed description of EM spectrum. Okay, see, these are the points in detailed description of EM wave. See, the first point, the information signal should be first converted into electromagnetic signal before a transmission, because the wireless transmission takes place using electromagnetic waves. Means जब भी हम लोग क्या करते हैं, transmission करते हैं, तो सबसे पहले जो अपना signal है उसको किस में convert करना पड़ेगा? It is electromagnetic signal में convert करना पड़ेगा, because जो wireless transmission है वो किसके use से होता है? Electromagnetic waves के यूज से होता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ओके, इसमें दोनों रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स रहते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द स्पेस. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू स्पेस से. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आर ऑल्सो कॉल्ड एज RF waves, दैट इज रेडियो frequencies. बिकॉज ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, RF waves, रेडियो frequency. नेक्स्ट पॉइंट देखो, द EM wave oscillate, they are sinusoidal and their frequency is measured in हर्ट्स. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो कैसे होते हैं, ऑसिलेट्स होते हैं. ठीक है, मीन्स सिग्नल्स में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, एंड दे आर साइनोसाइडल. साइनोसाइडल मीन्स साइन वेव्स के इसमें क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, एंड देयर फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स. इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हम लोग किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम सिग्नल कैन बी वेरी लो और इट कैन बी एक्सट्रीमली हाई. फ्रीक्वेंसी जो है ईएम सिग्नल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जो है, वो लो भी रह सकती है या फिर एक्सट्रीमली हाई भी रह सकती है. ठीक है, दिस एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज of EM waves is called as electromagnetic
स्पेक्ट्रम, ये जो हाई और लो फ्रिक्वेंसी रेंज रहती है, एंटायर फ्रिक्वेंसी रेंज, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सिग्नल सच एज 50 हर्ट्ज लाइन फ्रिक्वेंसी एंड वॉइस सिग्नल्स एट द लोअर एंड। मीन्स ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है कि लोअर एंड में कौन से फ्रिक्वेंसीज रहते हैं, अपनी वॉइस सिग्नल या फिर लाइन फ्रिक्वेंसीज रहती है। ठीक है, डायग्राम में ऑलरेडी जो है मैंने बताया है, देखो लोअर एंड में विजिबल लाइट, ठीक है, एंड इंफ्रारेड लाइट, ये जो है वो क्या है, अपर फ्रिक्वेंसी रेंज है, और लोअर फ्रिक्वेंसी में कौन सी रहती है, दिस आर द लोअर फ्रिक्वेंसीज। ओके, देन सो इन लोअर एंड व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज, दैट इज वॉइस सिग्नल्स एंड लाइन फ्रिक्वेंसीज। ओके, लाइन फ्रिक्वेंसीज एंड वॉइस सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना इसमें का, द रेडियो फ्रिक्वेंसीज विच आर यूज फॉर टू वे कम्युनिकेशन, यूज फॉर टू वे कम्युनिकेशन। ओके, और टू वे कम्युनिकेशन मीन्स हम लोग उसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, दैट इज रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम दीज फ्रीक्वेंसीज आर यूज फॉर अप्लीकेशन सच एज रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल। लास्ट पॉइंट देखो, द इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट आर एट अपर एंड ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है कि क्या है, जो विजिबल लाइट है और इंफ्रारेड लाइट है वो कहाँ पे है, अपने अपर एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट वी सी द टाइप्स ऑफ सिग्नल। ओके, सी द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एनालॉग सिग्नल, देन डिजिटल सिग्नल एंड बेस बैंड सिग्नल। ओके, देन सी द व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट थ्री सिग्नल्स। फर्स्ट वन इट इज एनालॉग सिग्नल, इट इज द सिग्नल इन विच द सिग्नल मैग्नीट्यूड वेरीज इन स्मूथ फैशन विदाउट एनी ब्रेक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स जो सिग्नल की मैग्नीट्यूड है वो वेरी होती है स्मूथली, उसमें कौन सा भी ब्रेक नहीं लगता, स्टॉप नहीं लगता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल जो है साइन वेव कंसिडर कर सकते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल में। ओके, नेक्स्ट है अपना डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या, इट इज द सिग्नल इन विच द सिग्नल मैग्नीट्यूड्स हैज अ कॉन्स्टेंट लेवल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन इट चेंजेस सडनली टू अदर चेंजेस सडनली टू अनादर कॉन्स्टेंट लेवल। ओके, मीन्स इट इज अ डिजिटल सिग्नल। मीन्स क्या होता है, एक टाइम पे वो क्या होता है, स्टॉप होता है। ठीक है, कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम पे ही वो लोग क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ डिजिटल सिग्नल। ओके, तो सम पीरियड ऑफ टाइम में जो है उसकी मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो और देन चेंजेस सडनली टू अनादर कांस्टेंट लेवल, तो इधर देखो इधर क्या हो रहा है, गैप आया है सिग्नल में, है ना, तो क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, कांस्टेंट लेवल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ डिजिटल सिग्नल। ओके, देन सी आफ्टर दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, इन दिस लेक्चर इट इज द बेस बैंड सिग्नल। इन दिस बेस बैंड सिग्नल सी द फर्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन और द इनपुट सिग्नल टू कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी एनालॉग,
मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो कैसा होता है, एनालॉग ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं दैट इज साउंड, पिक्चर, और इट कैन बी डिजिटल दैट इज कंप्यूटर डेटा। मीन्स यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो एनालॉग भी हो सकता है या फिर डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट ऑफ दिस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल किसको बोलेंगे हम लोग, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट मिलता है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल से, उसको ही हमको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द बेस बैंड सिग्नल इज दस ऑब्टेन एट द आउटपुट ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम में दिया, देखो ओरिजिनल इनपुट सिग्नल दिया ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इट विल कन्वर्ट वन एनर्जी फॉर्म टू द अनादर एनर्जी फॉर्म। सो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कन्वर्ट हो गया अपना इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट में विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द बेस बैंड सिग्नल, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट बेस बैंड सिग्नल। ओके, दिस इन दिस लेक्चर द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।